को ना कांग्रेस के एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो हिमंता अवतार में नजर आए, आप हैरान हो जाएंगे। हिमंता बिस्वा सरमा, जिनको कांग्रेस पार्टी नफरती न जाने क्या क्या कहती है, सीएम है असम के, लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो पूरे हिमंता मोड में नजर आए, मतलब कांग्रेस उन कांग्रेस नेता की जिद है हटा दो मस्जिद, वो अवैध मस्जिद कह रहे हैं हटा दो इसको, लव जिहाद पर वो बोल रहे हैं, वो कन्वर्जन पर बोल रहे हैं, वो रोहिंग्याओं पर बोल रहे हैं, वो घुसपैठ पर बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर महाभारत छिड़ गई है और हैरानगी इस चीज को लेकर है, मोर्चा कांग्रेस ने खोल रखा है मस्जिद के खिलाफ। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है उसका, बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्कअप वोट तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कुछ जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? नब्बे लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर। चोली बाजार में, छोड़ो परे लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूँगा। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे समझिए, जो हिमाचल में हो रहा है ना आज, हिमाचल में एक अवैध मस्जिद के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के मंत्री का, लव जिहाद के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, रोहिंग्याओं के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, ये अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का अगर हल्ला बोल हो जाए ना, तो वो सांप्रदायिक लड़ाई होती है। सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में अवैध मस्जिद को हटाने के लिए लोग सड़कों पर, इस तरह की अवैध मस्जिद अगर उत्तर प्रदेश में होती और वहां पर कोई योगी सरकार, कोई मंत्री कह देता है अवैध मस्जिद हटाओ इसको, ये तो सरकार की जमीन है, इसको हटाना चाहिए, लव जिहाद, ये तो सांप्रदायिक। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अगर ये सब कर रही है तो वो सेकुलर लड़ाई हो जाती है। वही हिमाचल प्रदेश है जहां एम्प्लॉयज को देने के लिए सैलरी नहीं है लेकिन पूरा ध्यान मस्जिद हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी का। सुनिएगा खबर, हिमाचल प्रदेश में आज एक मस्जिद के खिलाफ कांग्रेस का जो रुख दिखाना, सो कॉल्ड अवैध मस्जिद के खिलाफ, हमें नहीं पता साहब अवैध है वैध है, हम तो फैसला करने वाले कोई है नहीं, इसलिए हमने कहा एक मस्जिद के खिलाफ कांग्रेस कह रही है अवैध मस्जिद है हटाओ इसको, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस का जो रुख दिखाना उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। अब वैसे सीएम को डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ा, वो सफाई दे रहे हैं, मंत्री की गवाही, सीएम की सफाई। आज क्या हुआ, कांग्रेस विधानसभा में जो भाषा बोल रही थी ना, जिसे राहुल गांधी बीजेपी की नफरती भाषा कहते हैं कि बीजेपी नफरती भाषण इस तरह की देती है, अगर वो अवैध अतिक्रमण, अवैध मस्जिद, लव जिहाद, रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ बोलती है तो वो नफरती होता है, सांप्रदायिक होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, आज कांग्रेस ने लव जिहाद को खतरनाक बताया है। आपको नहीं होगा भरोसा, मैं बयान सुनाऊंगा साहब। आज कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मंत्री सरकार में सदन में कह रहे हैं लव जिहाद खतरनाक है। पहले कांग्रेस कहती रही कहां होता है लव जिहाद, तो होता ही नहीं है साहब, कपोल कल्पना है, काल्पनिक कहानी है, कपोल कल्पना, लव जिहाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यही कहती रही ना, लव जिहाद तो जुमला है। आज कांग्रेस ने रोहिंग्याओं को भगाने की बात की है, रोहिंग्याओं को, और अब पहले कोई रोहिंग्या को भगाने की बात करता था तो कहते थे कि कम्युनल लोग हैं, ये लोग परेशान करना चाह रहे हैं, शरण दे दो क्या प्रॉब्लम है। आज कांग्रेस के एक मंत्री रोहिंग्याओं को भगाने की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पर हमला बोला साहब, हैरान हो जाएंगे ये भाषण सुनकर, रिमोट साइड में रख दीजिए आज आप। ये सब कुछ आज हिमाचल विधानसभा में हुआ, हिमाचल प्रदेश की एक मस्जिद को अवैध बताते हुए, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये वैध है अवैध है हम फैसला करने वाले कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है अवैध है, कांग्रेस के मंत्री इसको अवैध कह रहे हैं, मस्जिद को अवैध बताते हुए कांग्रेस सरकार में, सुखू सरकार में सीनियर लीडर
मंत्री मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह ने ही इसे वक्फ का कब्जा बता दिया, वक्फ का कब्जा। इसके अलावा उन्होंने सदन में लव जिहाद को डेंजरस बता दिया, घुसपैठ रोहिंग्याओं को भगाने और वक्फ के कब्जे का जिक्र कर दिया। मतलब ये तुष्टीकरण के खिलाफ हल्ला बोल था आज कांग्रेस का, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें सच बोला नहीं जाता तुष्टीकरण की वजह से, लेकिन वोट की मजबूरी होती है, लेकिन इसलिए सारी चुप्पी जरूरी होती है। लेकिन आज तो कांग्रेस के नेता ने तुष्टीकरण की पोल खोल दी, सब मतलब खुलकर बोला सदन में। शायद पहली बार ऐसा हुआ कांग्रेस बीजेपी एक साथ, कांग्रेस सत्ता पक्ष के बयान से विपक्ष ज्यादा तालियां बजा रहा था, बीजेपी तालियां बजा रही कांग्रेस के बयान पर, कांग्रेस की स्टेटमेंट पर। बीजेपी कांग्रेस इन मुद्दों पर एक साथ नजर आई, बीजेपी के अवैध निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार का कड़ा रुख, अवैध मस्जिद के विरुद्ध कांग्रेस के इन मंत्री का युद्ध, और बीजेपी के समर्थन को देखकर कौन चिढ़ा होगा आप सोचिए। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ऑल इंडिया एमआईएम ओवैसी की पार्टी हैरान हो गई, ओवैसी की पार्टी। कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया, पूछे जाने लगा कि हिमाचल में किसकी सरकार है साहब, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत भरी पड़ी है। मतलब ये है आज हिमाचल विधानसभा में जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद ना ओवैसी को थी, ना कथित सेकुलर राजनीतिक दलों को थी, किसी को नहीं थी। दरअसल आज हिमाचल विधानसभा में संजौली इलाके में, अब ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या, संजौली इलाके में बनी अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया गया तो लगा कि आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम होगा। बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार में मंत्री मिनिस्टर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, छोटे मोटे नेता नहीं, मंत्री हैं साहब, अनिरुद्ध सिंह बड़ा पद है इनका। उन्होंने कांग्रेस सरकार में मंत्री, कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के निर्माण पर एक तरीके से कह दिया अवैध है, सरकार और प्रशासन पर ही सवालों की बौछार कर रही। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे पर जिस बेबाकी से स्टैंड लिया ना, उनके समर्थन में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष दिखाई दिया, बीजेपी वाले ज्यादा समर्थन कर रहे थे। मस्जिद विवाद को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, इनका पद क्या है, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने सदन में चार बड़ी बातें कही हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहला बयान, मस्जिद अवैध है हटाओ इसको, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा, हिमाचल में रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं, घुसपैठ हो रही है साहब, भगाया जाए इनको, अब समझ आ रहा है इनको खतरा घुसपैठ का। तीसरा, अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के मंत्री, बड़े नेता अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को सूबे और देश के लिए खतरनाक बताया। तीसरा, चौथा, वक्फ बोर्ड, ये लग रहा होगा आपको ये तो बीजेपी नेता नहीं साहब, कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, ये मंत्री हैं। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने हमला बोला, क्योंकि जिस मस्जिद को सरकार अवैध बता रही है, कह रही है कि तो हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, वो कह रहे हैं कि ये तो वक्फ ने कब्जा कर रखा है, उससे जुड़े कोर्ट केस में अब वक्फ बोर्ड पार्टी है। सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के बारे में सदन में और क्या कुछ कहा, वो विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे, उनका बयान भी हम आपको सुनेंगे, क्योंकि सड़कों पर संग्राम है साहब, सड़कों पर संग्राम है, हिंदूवादी संगठन सड़कों पर है कि अवैध मस्जिद हटाओ, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सरकार की जमीन है, मस्जिद बना दी। हिमाचल सरकार ने सूबे में रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से बढ़ रहे जिन खतरों को गिनाया वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में घुसपैठियों की वजह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बाजारों में औरतों का चलना मुश्किल हो गया है, ये यहां भारी घुसपैठिए हैं, कमेंट पास करते हैं घुसपैठिए रोहिंग्या। उन्होंने भी कहा कि घुसपैठियों के बढ़ने से हिमाचल में चोरी, ड्रग्स, धंधा और हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। सुनाते हैं आपको। आज संजौली बाजार में, थोड़ा परे लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूँ उस बात का। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर, लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्या, क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस, ये भी पता करा जाए, शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस सर, ये भी इसको भी कंसिडरेशन में रखा जाए। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा विवाद उस मस्जिद को लेकर है, जिसे कांग्रेस कह रही है अवैध है, हटा दो इसको, अवैध मस्जिद है। इस मस्जिद को लेकर शिमला में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, आज भी हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों ने, ये देखिए आप, जोरदार प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, नारेबाजी हुई।
आज मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हुए लोगों ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, 2 दिन का। उनका कहना है कि अगर 2 दिनों में मस्जिद नहीं हटी ना तो हिंदू समाज खुद तय करेगा होगा क्या। वो सारी नारेबाजी और तस्वीरें भी सुनाते हैं आपको, देखिए आप। लोगों ने कहा कि हिमाचल से स्थानीय मुसलमानों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुसलमान बाहर से आ रहे हैं ना, वो अगर हिंदू समाज से बैर करेंगे तो खैर नहीं है। ये लोग कह रहे हैं साहब। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी मुसलमानों की तादाद इतनी बढ़ गई, इनको हिम्मत मिल रही है दरअसल कांग्रेस की सरकार से, क्योंकि कांग्रेस सरकार में मंत्री ही अब घुसपैठ के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार के मंत्री ही अब लव जिहाद, रोहिंग्या, घुसपैठ के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इन प्रदर्शनकारियों की हिम्मत बढ़ी। उन्होंने कहा कि इनकी तादाद इतनी बढ़ी है कि स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोगों ने कहा कि हिमाचल में सड़कों पर महिलाओं बच्चों का चलना मुश्किल हो गया। प्रोटेस्ट इसलिए कि यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। बच्चे गुजर नहीं सकते और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। ये 4 मंजिले इसकी अवैध है, अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 साल हो गई है ये, इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक हिंदू भाई है, उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाला में हमला किया जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये सड़क के अलावा विधानसभा में भी मस्जिद उठाने की मांग उठी कि ये वो मस्जिद है, ये देखिए थर्ड फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4-5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। ये कहा जा रहा है कि ये शिमला के अंदर है, ये शिमला में, हिमाचल के शिमला में मस्जिद अवैध है कहा जा रहा है। कांग्रेस कह रही अवैध है, लोग सड़कों पर उतर आए। खुद हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अनिरुद्ध सिंह, बहुत सीनियर लीडर है, विधानसभा में उस मस्जिद के बारे में सबूत दस्तावेज के साथ आए, कह रहे तो अवैध है, हटाओ इसको। सदन के सामने उन्होंने रखी सारी बातें, क्या बताया उन्होंने, सुनिए। इस मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण बिना परमिशन के एक तो शुरू कर दिया, मस्जिद का निर्माण कांग्रेस कह रही है। मस्जिद के प्रपोज मैप में खामी पाई गई, कोर्ट केस के दौरान मस्जिद के 4 फ्लोर बनाए गए कोर्ट केस के दौरान, इसलिए शिमला नगर निगम भी सवालों के घेरे में है। वक्फ पर भी बरसे, 2023 में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया जबकि कोर्ट केस 2010 से चल रहा है। ऐसे में अगर जमीन वक्फ की है तो फिर 12 साल वक्फ कहां था? जिस जमीन पर विवादित मस्जिद का निर्माण हुआ है ना, ये जो कांग्रेस के हिसाब से, कांग्रेस कह रहे हैं उसका मालिकाना हक तो सरकार के पास है। ये मस्जिद जिस जमीन पर बनी वो तो सरकार की जमीन है, कब्जा कर लिया साहब, कांग्रेस कह रही है। यानी वो हिमाचल सरकार की जमीन है, मतलब ये कि सरकार की जमीन पर कब्जा करके वो मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई, अवैध है वो। कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सरकार से मांग की है कि अपनी सरकार से, मतलब वो मांग की है कि विवादित मस्जिद के 4 फ्लोर गिराए जाए, गिरा दो मस्जिद। कांग्रेस के सीनियर लीडर मंत्री, विधानसभा में सुखू सरकार में मंत्री, सैलरी नहीं है पैसे देने के लिए एम्प्लॉयज को, वहां खटाखट के चक्कर में सफाचट हो रखा है लेकिन सारा ध्यान मस्जिद की तरफ है, मस्जिद गिरा दो पहले। कांग्रेस के मंत्री मांग कर रहे हैं सदन के अंदर, मस्जिद गिरा दो, अवैध है उनका पूरा निर्माण, पूरी तरह से अवैध है। हालांकि इस मस्जिद के इमाम, उनका भी दावा, उनका भी पक्ष बताना जरूरी है। उनका दावा है कि वो ये जो मस्जिद है वो 1947 के पहले की है। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोले, 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा, मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर, 2010 में काम शुरू किया सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर, 2-250 स्क्वायर मीटर, मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात है। 2019 में सर
चार अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक चार मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। 2023 को कॉरपोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है उसका, तो बड़ी शर्म की बात है सर। उसका पता ही नहीं है, बाद में वर्कअप वोट तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज़ नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता है। उन्होंने वर्कअप बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। ज़मीन जो है, जो उसकी ज़मीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूँगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है ख़त्म करा जाए। 14 साल हो गए सर, 2010 से 2024 हो गया सर, अभी तक 44 पेशियाँ लग चुकी हैं, 44 पेशियाँ लग चुकी हैं सर, लेकिन आज तक पहले तो यही नहीं पता इनको ज़मीन किसकी, नक्शा कैसे पास हो सकता सर सरकार की ज़मीन के ऊपर, चाहे कब्जाधारी भी हो। MC क्या दूसरे का करता है? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने समिट ही कैसे किया? सबसे पहली बात तो ये है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध चार मंजिल बनी है सर, इमिजिएटली एक्शन हो उसके ऊपर, क्योंकि 44 पेशियों में ऐसा नहीं है सर कि 44 पेशियों में 44 पेशियाँ लग गई हैं सर, 44 पेशियों में कोई फैसला ना हो पाए, ये तो टालने वाली बात है मैं समझता हूँ। देखिए, सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि जो सफाट वो खटाखट के चक्कर में सफाचट हुआ और एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, वो सारी चीज़ें, उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस जो है वो मस्जिद के पीछे पड़ गई है क्या कि मस्जिद हटाओ पहले, मस्जिद गिराओ, ये पहले करो। अब ये जो पूरा मामला हो रहा है ना, उस वक्त जब ये बोल रहे थे, इनको आप सुन रहे थे, कांग्रेस के मंत्री थे ये, कांग्रेस सदन के अंदर, उस वक्त सुक्खू जी भी वहीं मौजूद थे, CM सुक्खू जी वहाँ मौजूद थे, उस वक्त कुछ नहीं कहा। सदन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अनिरुद्ध सिंह को मस्जिद मामले में संयम रखने की नसीहत दे दी, उस वक्त कुछ नहीं कहा, सुनाइए उनको भी। किस मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी, उनको भी इसमें नहीं जाना चाहिए, उनको भी संयम रखना चाहिए। अब देखिए, अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में, सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठियों पर आज एक बहुत बड़ा पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जिन बाहरी लोगों की तादाद बढ़ रही, ये बात BJP कहती है तो सांप्रदायिक होती है, यही बात को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कही जाती है तो कहा जाता है कि नफरत बढ़ाने वाले बयान है, लेकिन अब कांग्रेस के मंत्री भी मान रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी, कि हिमाचल में बाहरी लोगों की तादाद बढ़ रही है। वो पूछ रहे हैं क्या ये रोहिंग्या हैं? सदन में दावा किया कि वो खुद ही ऐसे बाहरी लोगों को जानते हैं दो, जो बांग्लादेश से आकर हिमाचल में बस रहे हैं, बांग्लादेश से आकर, यही हिमंता कहते हैं तो वो नफरती हो जाते हैं, हिमंता कहते हैं ना, बांग्लादेश से आकर असम में बस गए हैं, वो 28 को डिटेंशन सेंटर भेज दिया उन्होंने वहां पर, तो वो तो नफरती है। यहाँ कांग्रेस अब यही बात करेगी, बांग्लादेश से आकर बस रहे हैं लोग हिमाचल में, दो को जानते हैं मंत्री खुद। उन्होंने बताया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 190 बाहरी लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अब बाहरी लोगों की तादाद 1900 हो गई, 190 से 1900 कहां से आ गए लोग, 1900 लोगों में से 190 लोगों को कम कर देना तो 1700 बाहरी लोग बिना रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कांग्रेस सरकार में मंत्री कह रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं साहब कि क्या ये रोहिंग्या है, क्या ये बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश से आए मुसलमान है? सुनाइए, आप सुनाते हैं आपको कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूँ जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाज़ार में चले जाइए, चाहे संजोली बाज़ार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाज़ार चले जाइए सर, जगह जगह पर लोगों के चलने के जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर।